हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास पार्ट 12 का मैथ का है। इससे पिछले वाले वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 7 का 7 पर्सनालिटी 7.11 के क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया गया था। तो आइए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ये आप 0 to π x dx/1 sin x। तो क्या करें, इसमें प्रॉपर्टी यूज करें 0 to π और π/π-x/1 sin π-x dx। ठीक है, या आई बराबर प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए 0 to a f dx = 0 to a f π-a-x dx। इसी प्रॉपर्टी का यूज किया, इसको मानिए 1, इसको मानिए 2। अब जोड़ रहा हूँ 1 + 2, लेफ्ट करेक्ट में राइट राइट में आई धन आई 2i। अब 0 to π जाएगा यहाँ पर x 1 + sin x धन π-x/1 + sin x। अरे sin π होगा और dx कम कर जाएगा तो 2i बराबर जाएगा 0 to π लॉसा का 1 + sin x x + π-x dx एंड 2i बराबर 0 to π हो जाएगा π/1 + sin x। और यहाँ पर 2i दूसरे गुणा कर दें 2π, जब दूसरे गुणा करेंगे तो 0 to π/2 हो जाएगा 1 + 1 + sin x dx। इधर दो कर जाएगा तो i बराबर पाई या प्रॉपर्टी यूज करिए 1/2 1/(π/2-x) यही प्रॉपर्टी यूज कर अपनो या आई बराबर पाई 0 to π/2 या 1/(1 + cos x dx) या आई बराबर क्या जाएगा देखिएगा पाई 0 to π/2 और यहाँ पर 1/(1 + cos करिए 2 cos²x/2 -1 dx 1 i बराबर पाई 0 to π/2 1/(2 cos²x/2 तो i बराबर पाई बटे 2 cos हो जाएगा sec²x/2 dx या i बराबर π/2। अब देखिए sec का इंटीग्रेशन sec का जाएगा tan x/2 का x/2 है क्या जाएगा 2। ठीक है, ए 2 और इसका 0 to π/2 0 to π/2 ए i बराबर π/2 इसका रखेंगे तो π/4 हो जाएगा, π/4 का मान 1 हो जाएगा इंटू 2 और माइनस रखेंगे 0 हो जाएगा टेन 0 मान या i बराबर π/2 इंटू 2 या i बराबर पाई, यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया -π/2 और उसके बाद π/2 और साइन
और ये देख रहा है इसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत है, क्योंकि आपका ए देखिए माइनस ए टू ए आपका साइन 3 पावर 7 x है इस रूप में है, और यह आपका विषम है, क्या विषम के कंडीशन में ये इसका समाकलन जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लिफ्ट आई जवाब मान लिया तो ये अधिक देंगे, क्योंकि साइन की पावर त्रिकोणमिति अनुपात साइन की पावर 7 x जो विषम है, ठीक, इसलिए इसका समाकलन क्या हो जाएगा, शून्य। ये लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे आई बराबर 0, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी है, सेम आपका क्वेश्चन नंबर 13-14 है, एक तरह का है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे 1 + sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, लिमिट दिया आपका 0 to π/2, ठीक है, ये दिया 0 to π/2। चलिए लेफ्ट मान लो आई बराबर, अब प्रॉपर्टी यूज करें तो आई बराबर देखिएगा 0 to π/2 साइन π/2 - x माइनस कॉस π/2 - x बाई 1 + sin π/2 - x अब कॉस π/2 - x या आई बराबर 0 to π/2 साइन 90 - θ कॉस कॉस 90 - θ साइन एक्स बटे 1 + sin का कॉस आकाश का साइन, इसको माना 1 और इसको माना 2, 1 - 2 कीजिए लेफ्ट का लेफ्ट में रहता है 1 - 1 आई धन आई 2i देखिए 0 to π/2 अब पूरा इसमें भी लॉसो और लॉसो समान है, चलिए करा 1 + sin x इंटू कॉस एक्स, और ये जो किया जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स धन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स, कॉस से प्लस माइनस एन 2i बराबर 0 to π/2 और 0 / 1 + sin x कॉस एक्स, और यह आपका 2i पूरा 0 हो जाएगा, 0 to π/2 0 या 2i बराबर 0 आई बराबर 0, यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 आप सुनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 या 0 to a और आपका अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट एक्स अधम ए माइनस एक्स डी एक्स आई बराबर, वही प्रॉपर्टीज दिए थे आई बराबर 0 to a a - x अपान a माइनस एक्स अंडर रूट में a माइनस प्लस जाएगा x या आई बराबर 0 to a अंडर रूट a माइनस एक्स बाई अंडर रूट a माइनस एक्स धन अंडर रूट एक्स डी एक्स, एक हुआ ये दो हुआ समीकरण एक धन दो लेफ्ट का लेफ्ट में राइट का राइट में आई धन आई 2i लॉस ऑफ समान है
जीरो टू ए अंडर रूट एफ धन अंडर रूट ए माइनस एक्स अंडर रूट एफ धन अंडर रूट ए माइनस एक्स ये वाले डिवाइड हो जाएगा तो टू आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए वन डी एफ या टू आई बराबर एफ से आएगा जीरो टू ए या टू आई बराबर ए हमारे जीरो आई बराबर ए बाई टू हो जाएगा। यही क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपका 0 to 4 और यार निरपेक्ष मान आप एक्स माइनस वन डी एफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम इसका सॉल्व किए थे, ये आपका 3 और 4 था, इस पर सॉल्व किया गया था, इसको मैं तोड़ दे रहा हूँ, केवल प्रॉपर्टी यूज कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसको लिख सकते हैं 0 to 1 ठीक है ना, माइनस एक्स माइनस वन डी एक्स और प्लस क्या लिखेंगे 1 to 4 एक्स माइनस वन डी एक्स। चलिए सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसका माइनस जाएगा या एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस में या प्लस जाएगा एक्स या 0 to 1 इसका जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स 1 to 4 ये रखेंगे 1/2 धन 1 और यह हो जाएगा माइनस 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसका धन का रंग, इसका रखेंगे तो 4 × 16/2 माइनस 4 माइनस 1/2 माइनस 1 ये कितना हुआ माइनस 1 × 2 8 में से 4 माइनस 2 × 2 माइनस 1/2 1/2 धन 2 × 8 = 9/2 9 × 10/2 बराबर 5 यही आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 आप इस तरह सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कह रहा है माइनस पाई बाई टू ए पाई बाई टू एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस आपका 10 to the power 5 प्लस 1 डी एक्स। देखिएगा इसको लिखते हैं माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स क्यू धन एक्स कॉस एक्स धन 10 to the power 5 डी एक्स यहाँ पर धन ए माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू वन डी एक्स। ये पूरा फंक्शन देखिए ये दिशा में इसलिए पूरा मान कर जाएगा 0 धन इसका समाकलन एक्स ये आपका माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ये पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू अनहन पाई बाई टू तो कितना हो जाएगा 2π/2 बराबर पाई हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ
4 plus 3 sin x बटे 4 plus 3 cos x dx, यही है आपका 4 plus 3 sin x plus 4 plus 3 cos x, ठीक है। चलिए यूज कीजिए 0 to π/2 log m by n का फॉर्मूला है, ये log 4 plus 3 sin x माइनस log 4 माइनस 3 cos x, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 to π/2 dx, 0 to π/2 log of 4 plus 3 sin x dx माइनस से प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए 0 to π/2 log 4 माइनस 3 cos π/2 माइनस x, ये 0 to π/2 log 4 plus 3 sin x dx माइनस ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log 4 माइनस 3 sin x dx, ये देखिए ये जी घट जाएगा यहाँ पर जीरो जाएगा, इस प्रकार ये इसका समाकलन कर जाएगा जीरो। अब हम लोग इस प्रश्नावली को कंप्लीट किए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।